नमस्कार। आज हम प्रारंभिक शिक्षा में उसके नवीन प्रयास जो किए गए हैं उनके कुछ प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। 10 नंबर में कई आपके पेपर हैं, 1-2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपके प्रश्न आने की संभावना है। लेकिन आप अगर अपडेट रहेंगे नॉलेज से तो ज़्यादातर प्रश्न आप वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और आपको कठिनाई नहीं होगी। साथ ही साथ जितने प्रश्न आप अध्ययन करे रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेजिटेशन भी दूर रहेगी कि हाँ, अगर ये प्रश्न आएगा तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो बात करते हैं अब जो प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास किए गए, तो नवीन प्रयासों में वो प्रयास हम देखेंगे जो पहली पहली बार आया, ठीक है। किसी कमीशन ने किसी चीज़ का अनुमोदन किया या किसी ने पहली बार उसकी बात कही, तो ये प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है। अगर बात की जाए आपके बहुत उद्देशी विद्यालय मल्टीपर्पज स्कूल, तो सबसे पहली बात उसकी मुदालियर आयोग ने की। फिर अगर बात करें पड़ोसी विद्यालय, तो कोठारी आयोग ने सबसे पहले पड़ोसी विद्यालय नेबरहुड स्कूल की बात की, कहा कि आपका जो है स्कूल आपका बहुत कम रेंज में होना चाहिए ताकि बच्चे वहाँ तक पहुँच सके। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए। विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो 1961 में ब्रिटेन में, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 आंध्र प्रदेश में, और भारत में मुक्त शिक्षा का आगमन अगर यह प्रश्न आता है तो 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली बार पत्राचार प्रणाली से अपना पाठ्यक्रम संचालित करना आरम्भ किया। निस्सिद्धांत सिद्धांत के बारे में आप जानते ही हैं कि मैकाले की ये देन है। रैगिंग निषेध अधिनियम अगर पूछता है, क्योंकि ये आप देखिए नवीन प्रयास ही है कि रैगिंग जो है एक अपराध है और आपको दंड मिलेगा, तो इसको अगर बात की जाए तो रैगिंग निषेध जो अधिनियम है वो आपका 1956 में आया और इसमें धारा 26 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। भारतीय पुनर्वास परिषद, ये देखिए आपके जो समावेशी शिक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट टर्म है ये, उन भारतीय पुनर्वास परिषद RCI आपका जब अनुमोदन की बात पूछे तो 1986 और 92 जो आपकी शिक्षा नीति आई उसमें इसका अनुमोदन किया गया, और बाद में 1993 में ये संसद में आया और 2000 में ये इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। विकलांग जन विधेयक की बात की जाए तो 1995 में ये आया, और अगर ये पूछा जाए कि कितने किसको विकलांग माना जाएगा या किसको सुविधाएं दी जाएंगी, तो अगर 40% या उससे ज़्यादा की विकलांगता आपके CMO ने अगर प्रूफ आप लिखित दे दिया तो आपको उस कैटेगरी में भी रखा जाएगा, और जितनी सुविधाएं उनके लिए बनाई गई हैं जितनी नीतियाँ, आप उसके लाभार्थी भी होंगे। अगर ये पूछा जाए कि विशिष्ट शिक्षा का अनुमोदन भारत में किस कमीशन ने किया, तो सार्जेंट कमीशन 1944 ने सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा के लिए बहुत ही बल दे के बात की, ठीक है। इसके बाद मुदालियर, कोठारी आयोग और आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCF, इन सब ने भी विशिष्ट शिक्षा और जो विशिष्ट शिक्षा की बात की। समावेशी शिक्षा आप याद रखिएगा 1994 के बाद यूएनओ ने स्पेन में विचार रखा कि समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके पहले जब भी बात हुई तो विशिष्ट शिक्षा की बात हुई थी। अगर पूछा जाए मानवाधिकार जो आपका आया कब आया, तो 1948 में आया, और बच्चों के लिए पूछा जाए तो 1959 में बच्चों के लिए आया। विद्यालय का स्तरीय संगठन सबसे पहले किस आयोग ने किया, तो विद्यालय का जो स्तरीय संगठन है 1994 में वुड डिस्पैच जब आया तो उसने सबसे पहले बताया कि किस कैटेगरी वाइज होना चाहिए, जैसे उन्होंने रखा कि विश्वविद्यालय हो, फिर कॉलेज हो, फिर हाई स्कूल हो, फिर मिडिल, फिर प्रारंभिक। अगर 10+2+3 की बात करेगा तो वो तो आपका आधुनिक जो इतिहास है भारत का, स्वतंत्रता पश्चात भी कोठारी आयोग ने भी कहा है, फिर 86 में ये लागू भी हो गया, और 86 में इस 10+2+3 में 10 को भी डिवाइड कर दिया गया 5+3+2 में, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि शिक्षा में अनुदान प्रणाली की बात सबसे पहले किसने कही, तो अनुदान प्रणाली की बात जो आपकी जो कही गई वुड डिस्पैच में कहा गया, और जो UGC की जो स्थापना हुई उससे संबंधित प्रश्न आए, तो राधा कृष्ण आयोग ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब अगर प्रश्न पूछता है कि अपव्यय एवं अवरोधन कौन सी कमेटी से रिलेटेड है, किसने इस पर बहुत फोकस किया, तो हर्टान कमीशन 1929 में जो आए उसने अपव्यय अवरोधन की बात कही। इसने ये भी बात कही थी कि जो अवकाश होने चाहिए वो मौसम के अनुरूप होने चाहिए, जैसे ग्रीष्म आपका बारिश और सर्दियों में।
हस्तशिल्प आधारित शिक्षा किस कमीशन की देन है या कौन से किसके विचारधारा है? तो हस्तशिल्प आधारित जो आपकी शिक्षा है, महात्मा गांधी जी के बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा इत्यादि जो नाम आप जानते हैं उसकी देन है। और इसमें 3 घंटे 20 मिनट हस्तशिल्प के लिए रखा गया। इसी के साथ साथ ये भी अध्ययन करेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी बहुत ही नवीन प्रयास है आपके शिक्षा में। तो कब आया? तो 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसने बहुत ही फोकसली इस पे जोर दिया। 68 ने भी दिया था, 86 ने बहुत दिया, और 86 के बाद 87-88 में ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, जिसमें 2 कमरे, ब्लैक बोर्ड, खेल के मैदान और सारी चीज़ों की बात कही गई। 92 में जब आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन आया, तो इसमें 3 कमरों की बात कह दी गई। 3 कमरों की बात अर्थात ये भी कहा गया कि जितने कमरे उतने टीचर, और ये भी कहा गया कि जो भविष्य में आगामी शिक्षक है उसमें जो 50% होंगी वो महिलाएं होंगी। आरटीए के अनुसार अगर प्रश्न पूछता है तो आप याद रखिएगा कि कार्य दिवस जो होता है आपका प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें 800 घंटे 200 दिन, और उच्च प्राथमिक शिक्षा में आपका 1000 घंटे 220 दिन होता है। विद्यालय की क्षेत्र सीमा की बात की जाए तो प्राथमिक का जो क्षेत्र सीमा है वो है 1 किलोमीटर पे एक प्राथमिक विद्यालय, और माध्यमिक के लिए यही चीज़ आपकी 3 किलोमीटर कही गई। पूछा जाए ये जो विद्यालय की क्षेत्र सीमा है किस आयोग ने इस पर बहुत फोकसली कहा, तो अभी आपने पढ़ा कि पड़ोसी विद्यालय की बात किसने कही? कोठारी आयोग ने। तो उसी उसी पे इन्होंने आगे अपना अनुमोदन रखा। आरटी 2009 में दंड का प्रावधान पूछे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप आरटी के अनुसार पढ़े हुए हैं, लेकिन ये भी जाने कि दंड का प्रावधान इसके धारा 17 में है। बुनियादी ढांचा जो होता है आपका, ये आरटी के अनुसार ये कहा गया कि 3 वर्ष के भीतर आपके बुनियादी ढांचे को सुधार में लाया जाए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि 5 वर्ष के भीतर सभी अध्यापक प्रशिक्षित हो जाएं। फेल न करने की नीति पूछा जाए तो कक्षा आपका जो है वो 1 से 8 तक फेल न करने की नीति आरटी 2009 के अंतर्गत आई। आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, और इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बालकों उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। साथ ही साथ अगर दिव्यांग बालक है तो 18 वर्ष तक की इनको छूट दी गई। 86वां संशोधन अगर पूछा जाता है प्रश्न, तो आपका 2000 में एक धारा 21 जो आपकी 86वां संशोधन हुआ 2002 में, उसके अंतर्गत आपका 21 से शिक्षक का अधिकार आया। नवोदय विद्यालय से संदर्भित प्रश्न पूछता है, तो आप याद रखिएगा नवोदय विद्यालय की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में कही गई, और 87 में इसकी स्थापना हो गई। प्राचीन भाषा स्वायत्त आयोग की जो बात कही गई ना, आपका NPE 92 के अंतर्गत कही गई कि एक प्राचीन भाषा स्वायत्त आयोग का भी गठन होना चाहिए। लक्ष्य अगर पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 92 का, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक शिक्षा पे खर्च हो, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। अगर इसने बात बहुत ही फोकसली कही कि कितना सारा खर्चा होता है हमारे अन्य क्षेत्रों पर, लेकिन शिक्षा पे ये हमारा दुर्भाग्य है कितना कम खर्च किया जाता है, और उसका इन्होंने अनुमोदन किया कि 6% से भी ज़्यादा आपका खर्च होना चाहिए। बिना बोझ की शिक्षा की बात अगर पूछे, तो बिना बोझ की शिक्षा जो आपके यशपाल कमेटी है उन्होंने दिया 1992-93 में, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में गृह कार्य को अच्छा नहीं माना और उसको बहुत ही हतोत्साहित किया कि नहीं, बिल्कुल गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। पत्राचार से बीएड का भी इन्होंने विरोध किया। ये वही हैं जिन्होंने जो NCF 2005 के अध्यक्ष थे, और इन्हीं के जो आपका कमीशन आया इसी पे, इसी के सिद्धांतों पे आधारित आपका NCF 2005 भी आया। NCF 2005 के अनुसार अगर प्रश्न पूछता है तो कितने प्रतिशत प्रश्न आपके लघु उत्तरी होने चाहिए, तो 25 से 40% आपके प्रश्न लघु उत्तरी होने चाहिए। शिक्षक की बात पूछे तो वह सुविधा प्रदाता है। समुदाय क्या है? मानवीय संसाधन। तकनीकी क्या है? पूरक। सूत्र पूछे तो ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त आपका NCF कहता है कि इस प्रकार से आपकी शिक्षण व्यवस्था चलनी चाहिए, और बहुत सारी बातें हैं। और ये भी प्रश्न आता है कि किस कक्षा से आपका पर्यावरण एकीकृत पर्यावरण अध्ययन शुरू होता है, तो कक्षा 3 से। मनोविज्ञान शाला की बात किस कमेटी ने कही, अगर इस बात पर चर्चा होती है जो आपका प्रयागराज में है, और इसकी जो इसका जो अनुमोदन था आचार्य नरेंद्र देव
जो आपकी समिति थी उसने दिया कि हाँ मनोविज्ञान शाला की स्थापना की जानी चाहिए। कुछ आपके और टर्म हैं DPEP, इसका फुल फॉर्म अगर पूछता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, पूछा जाए ये जब लागू हुआ तो कहाँ कितने राज्यों में लागू हुआ, तो ये 7 राज्यों के 42 जिलों में लागू हुआ। साथ ही साथ अगर यह प्रश्न पूछता है कि NPEGEL क्या है, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल 2003 में यह शुरू हुआ। इसके अंतरिक्त बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, बहुत सारे आपने प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे, लेकिन ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए, और इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में जल्दी ही आपको दूंगी।